हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज संडे है, संडे छुट्टी, हमारी तो वैसे भी रोज़ छुट्टी है, तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो फिर संडे भी बर्बाद कर लिया शाम हो गई है। सुबह सुबह प्लान था कहीं जाने का, 8 बजे निकल जाने का, पर मैं उठा ही नहीं, लेट उठा, बहुत लेट उठा, और संडे भी निकल गया, तो कुछ खास काम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। ओवर थिंकिंग में ही टाइम निकल गया। तो अब थोड़ा सा कुछ बात करते हैं, सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग तो डालना ही है ना। तो सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि ब्लॉगिंग या जो कंटेंट चल रहा है ना, तो किस तरीके का कंटेंट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये जो है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओवरऑल जो ज़्यादातर हम जो देख रहे हैं, जो मार्केटिंग हो रही है, वो अब कन्वेंशनल जो फॉर्म है, मतलब पुराने तरीके से तो हो नहीं रही है, डिजिटली हो रही है। और डिजिटल में भी ब्लॉगिंग, मतलब जो रिटन है ना आर्टिकल्स वगैरह से, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, मतलब हर चीज़ की इंसान को वीडियो चाहिए कि वीडियो में आ जाए, वो वीडियो की फॉर्म में उसे न्यूज़ मिले, वीडियो की फॉर्म में उसे कुछ भी जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो तुरंत सर्च करता है, फिर वीडियो देखना पसंद करता है, पढ़ना पसंद नहीं करता। तो उसी के ऊपर बात करते हैं कि जो कंटेंट चल रहा है उसमें हर तरीके का कंटेंट है, अच्छा बुरा सब, और छोटे छोटे बच्चे भी जो है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये समझ लो कि अगर मैं नहीं गया हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब कहीं पर मैं अभी आपको जो ब्लॉगिंग घूमने घामने तो नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी बना रहा हूँ, एक गुड कॉज का और अच्छे टॉपिक हैं। कल भी मैंने बताया था एक इंटरेस्टिंग सा भविष्य मालिका का, तो आज भी ये कंटेंट के ऊपर है, क्योंकि आप ये सोचो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में, इसमें अपना मतलब कुछ पार्ट जो है ना ऐड करने की, एज ए करियर इसे परस्यू करने की, कि जो कंटेंट है, कंटेंट जो है ना हर तरीके का है, और वो क्या कहना चाहिए ना, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बहती गंगा है एकदम, और कोई भी देख सकता है, बच्चा है, मेरा बच्चा भी है 3 साल का है, वो भी देखता है मोबाइल, तो उसमें किसी भी तरीके की वीडियो आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। तो थोड़ा सा सोच के देखो इस बारे में कि ये कितनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, कि अगर जो कंटेंट है आपका, अगर वो गलत कंज्यूम कर रहा है ना बच्चा, तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। अभी मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा हूँ ये वाला, तो एटलीस्ट ये आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कुछ और पॉजिटिव दिखा पाऊँ आपको, ठीक है, ऐसे बहुत से मतलब जो कंटेंट क्रिएटर हैं और जो लोग हैं, वो दिखा रहे हैं कि जैसे पूरा डे टू डे रूटीन है। जैसे मैं खुद इम्प्रेस हुआ था स्टार्टिंग में गौरव तनेजा से फ्लाइंग बीस्ट से, तो उसका रीज़न यही था कि वो बंदा जिस हिसाब से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज कर पा रहा था ना, वो बहुत मतलब तारीफ़ काबिल है। मैं नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोशिश बहुत की, नहीं कर पाया, अभी भी फिर से कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब कंटेंट अच्छा था, अब इसी तरीके की कंटेंट या और फनी, अगर फ़नी कंटेंट हो तो फ़नी ऐसा कंटेंट हो कि देखो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, फन किसी क्रिएट करने के, कि आप बलगर एक्टिविटी करोगे वो भी फन में चल रही है, और बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग बहुत देख भी रहे हैं उसे, और थोड़ा सोच के देखो कि वो कहाँ इम्पेक्ट कर रहा है आजकल बच्चों को, किधर लेके जा रहा है वो, उनका माइंडसेट क्या कर दे रहा है ना। और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं मोबाइल, देखते ही हैं, अब क्या पता कौन सी वीडियो आ जाए, क्या नाप शनाप सब सब चल रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ना बहुत मुझे लग रहा है कि जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, तो जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, और एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उस इंसान को भी समझना चाहिए कि जो कंटेंट डाल रहा है, कि थोड़ा अच्छा कंटेंट डाले, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो, एनकरेजिंग कंटेंट हो, मोटिवेटिंग कंटेंट हो, और इन्फॉर्मेटिव हो, मतलब एजुकेटिव होना चाहिए, है ना, ऐसा हो कि कुछ बढ़िया। बहुत हैं, पता नहीं कितने हैं ऐसे अच्छे अच्छे वाले भी, अब इसमें से भी यही चीज़ आ जाएगी वैसे कि अपने ऊपर है कि भाई आपको क्या देखना है। तो ये चीज़
हमें क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है, वो बिल्कुल वैलिड चीज़ है कि भाई हम क्यों बेकार चीज़ देख रहे हैं। अच्छी चीज़ लेना, हम जैसे अच्छी आदतें बोलते कि अच्छी आदतें लो, ख़राब आदतें मत लो, तो वो बिल्कुल बात आपकी जायज़ है। पर वो बच्चे जिनमें इतना सेंस ही नहीं है, इतनी उनमें इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो ये चीज़ जज कर पाएँ कि हमें कैसे सर्च करना है, क्या पिक करना है, क्या नहीं करना। अब ये दो दो साल के, तीन तीन साल के, चार चार साल के बच्चे, मतलब अब पाँच सात साल के बच्चों से भी क्या उम्मीद करोगे कि आपकी वो इतने मतलब समझदार हो जाएं कि वो अच्छा कंटेंट देखें। हाँ, आप एज ए पेरेंट्स आप कोशिश कर सकते हो कि उस चीज़ को कि भाई बच्चा हमारा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये ड्यूटी भी है हमारी, ये ड्यूटी होनी भी चाहिए, है ना। बट हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि वो कभी आपका ध्यान भी इधर उधर हो सकता है, और कभी क्या है वो कहीं अकेले में है, पाँच छः साल का बच्चा मोबाइल लेके पड़ा है, आप काम में बिजी हो, तो भाई पता नहीं। तो थोड़ा सा ना ये बहुत जो है मेरे हिसाब से कंसर्निंग टॉपिक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और इसकी वजह से ओवरऑल बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो रहा है लोगों का ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने कल जो डिस्कशन किया था ना कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से बहुत मतलब क्या कहना चाहिए कि अफेक्टेड है लोग, वो हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि लाइक दो दो क्या कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी उन्होंने डेवलप कर रखी है अपनी, कि बहुत सी जगह तो बहुत वैसा बन के दिखाएंगे, पूरे प्योर इंडियन, पूरे संस्कारी, पूरे संस्कारी हैं वो, बहुत भयंकर संस्कारी हैं। और जब वो दूसरे रूप में आते हैं अपने, तो तुम कहोगे कि यार ये वही इंसान है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लड़के लड़कियां मैरिड अनमैरिड ऐसे बहुत देखे हैं कि भाई अभी तो देखो बहुत ज़्यादा वो हैं, वो तुम देखोगे कहीं मतलब ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें पूरे संस्कार में जो है रहना पड़ेगा, पूरा एकदम प्योर, तो वहाँ बिल्कुल पूरे वो मतलब डबल पर्सनैलिटी। और ऐसे लोग पसंद भी आते हैं लोगों को, जो दिखावा करें, जो ओरिजिनल ना हो बट बन के दिखाएं कि हम ऐसे हों, ऐसे हैं हम, तो मतलब डबल डबल साइड, दो दो तरीके की पर्सनैलिटी हैं। तो ये कहीं ना इसी वजह से भी है, क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि देखो जो डिमांड है, जो हमारे पेरेंट्स की डिमांड है और जो हमारा कल्चर है वो कुछ और है, फिर से वही बात आ जाएगी घूम के, और जो हम कोशिश कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। अभी पीछे जो है ना एक है, उससे जुड़े हुए थे वो अपने क्या कहना चाहिए, जो आर्य समाज होता है ना, आर्य समाज ही हैं, रिलेशन में ही फूफा जी हैं, तो वो जो है ये पूजा वगैरह और पूजा पाठ और ये मतलब यज्ञ वगैरह, मतलब ये सब चीज़ धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो उनकी बात मुझे वो ठीक लगी काफ़ी हद तक। ये केक काटने वाला जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, और ये हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता से थोड़ा हटके है। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा। इवन अडेप्ट तो कर लिया फैमिलीज़ ने, क्योंकि भाई मैंने बताया ना, फिर ये सोचते हैं कि यार ये आउटडेटेड हो गया है। तो ये सब चीज़ें और सोशल मीडिया में बहुत आ रही हैं, तो एनकरेजिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, कि रात को 12-12 बजे केक काट रहे हैं कुछ हमने भी कर ली ये चीज़ें लाइफ में। तो बट इनका सिग्निफिकेंस क्या है अगर देखो तो, ठीक है टेम्पररी तुमने किसी की खुशी के लिए या कुछ कर लिया, बट अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हैप्पीनेस फैक्टर को ही ऐड करती हैं, जो रियल हैप्पीनेस है उसे ऐड को ही करती हैं। ये तो टेम्पररी हैप्पीनेस और ये क्या है कि बस फेक हैं ये सब चीज़ें। रियल हैप्पीनेस तो अगर आदमी किसी से प्यार कर रहा है तो दिल से प्यार करे। दिखावे की चीज़ें बहुत हो गई, मैं तो कह रहा हूँ दो दो चीज़ें हो गई हैं। तो जो फूफा जी थे उनकी बात कर रहा था मैं, तो वो बोल रहे थे कि देखो ये बिल्कुल ना गलत है कि आप पहले ये खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ पे पहले आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है, जो बर्थडे है अपना, ईयर तो खैर कैंडल लगा लेते हैं, मोमबत्ती कुछ लिखवा भी लेते हैं, नाम तो लिखोगे कि हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे फलाना, फिर उसे काटोगे चाकू से तो थोड़ा सा अगर समझोगे तो मतलब ये बड़ा क्या कहना चाहिए कि हमारे कल्चर से ना बहुत अलग है, और फिर प्रमोट भी करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना भाई हमसे तो होगा नहीं। तो कंटेंट वगैरह का, ब्लॉगिंग का, यूट्यूब का
जो है ब्लॉगर बनने का जो है खुमार चढ़ा पड़ा है और पता नहीं जो भी है पर इस तरीके की चीज़ें तो शायद मुश्किल ही है कि कर पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अपने जो है फंसती नहीं दिमाग में। तो अपना तो जो है ये है कि सीधे स्वभाव से जो भी चलेगा जैसे भी चलेगा भगवान भरोसे, बस उसी में सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, रामायण सुनने के लिए, और मेरे विचार हैं कुछ ही, हो सकता है आपको अच्छे लगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। बाय बाय।